आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में उम्मीदवारों के सिर पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। हर कोई चुनाव को जीतने के लिए कोई न कोई गठजोड़ कर रहा है, तो कहीं वोटर लिस्ट में नाम कटवाने और कहीं नए वोट नहीं बनने दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही उम्मीदवार कई प्रकार के हथकंडे और दावपेच अपनाते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे आगामी होने वाले प्रधान पद के चुनाव में बाजी उनके हाथ लगे। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील कुरावली के ग्राम नगला मितकर में देखने को मिला। इस गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए मतदाता सूची में पुनः नाम जोड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अरविंद यादव जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और पूर्व प्रधान भी हैं, ने अधिकारियों से साठ गांठ कर गाँव के 95 से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब करा दिए हैं और 35 से लेकर 50 फर्जी वोट जो उनके ही रिश्तेदार हैं, इस गांव में रहते भी नहीं हैं, उनके वोट बनवा दिए गए हैं। तो वहीं सैकड़ों की तादाद में नए वोटरों जिनकी उम्र आज 18 से लेकर 21 और 22 वर्ष तक की हो गई है, जिनको भी आज तक मतदाता सूची से नहीं जोड़ा गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दर्जन लोगों ने शिकायत करते हुए जिलाधिकारी से मांग की है कि तत्काल ही जांच कराते हुए काटे गए वोटरों की सूची जोड़ी जाए और फर्जी वोट काटे जाएं। इसके अलावा नए वोट भी बनवाए जाएं, जिससे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। मतदाता सूची से गायब है और जानकारी मिली है कि आप भी प्रधान प्रत्याशी हैं, क्या लगता है ये नाम कैसे गायब किए गए? ये प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव द्वारा पूर्व प्रधान द्वारा मिला भेंट करके अधिकारियों से जी, जो वास्तव में नामावली में व्यक्ति होना चाहिए, जो गांव में हैं, जीवित हैं, गांव में रह रहे हैं, उनके वोट लेन देन करके अधिकारियों से मिला भेंट करके कटवा दिए गए हैं। मैनपुरी से जनमत न्यूज के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट।